हाँ जी, आज हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला चैप्टर का नाम है, क्लास 9th है और बलोचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है सिंप्लीफाई, यानी कि सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है कि हमने उसको आखिरी हद तक, जैसे लोएस्ट फॉर्म होती है वही, यानी कि आपने मजीद हल करते जाना है उसके साथ फॉर्म आ जाए। ठीक है, अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 5x² वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, तो आप देखें ये और ये आपका कट गया, ठीक है, इस तरह से एक वाई और ये भी कट गया। अब इनके दरमियान में सब में मल्टीप्लाई का साइन है, इस वजह से मैं काट रही हूँ, अदरवाइज ये ना कटता। ऊपर 1 रह गया और नीचे 5y² रह गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 4 का जब मैंने एलसीएम लिया है 5 और 4 का, तो ये 20 आता है, ठीक है 20। अब आपने क्या करना है कि 5 को 20 पे डिवाइड करना है तो 4 आता है, और जब 4 आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4y² और ये 5x² आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। हमने किया ना, इसमें आप देखें कि हमने एलसीएम तो 20 आया है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर वाई स्क्वेयर भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ वाई स्क्वेयर ले लिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये और ये 4 आ जाएगा और ये वाई स्क्वेयर हट जाएगा, और यहाँ पर ये 20 और ये वाई स्क्वेयर आ जाएगा, यानी कि 4 - 5x² y² डिवाइडेड बाई 20y², ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि आपके पास है 2x - 3 डिवाइड बाई 9x - 6 प्लस x - 2 डिवाइड बाई 6x - 4। तो इसमें आपने क्या करना है, 2x - 3 ऐसे लिखना है, नीचे आप देखें 3 कॉमन आ रहा है तो ये 3x - 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें प्लस x - 2 है और यहाँ से आपके 2 कॉमन आ रहा है, अंदर 3x - 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास सेम चीज़ है वो है 3x - 2 और 3x - 2 है, ये आपने एक दफ़ा लिख ली। ठीक है, और 3 और 2 का आपने एलसीएम ले लिया तो ये 6 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि ऊपर वाली चीज़ आपने इसी तरीके से लिखनी है, 2x - 3। ठीक है, अब ये और ये सारा कट जाएगा और 3 को 2 पे 6 पे डिवाइड किया है तो 2 आता है, तो 2 आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके साथ, ये और ये तो कट गया, यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, x - 2 ऊपर रह गया और ये कट के, यानी कि 6 और 2 को डिवाइड किया तो 2 3 6, यानी कि ये 3 आ गया। अब हमने सिंपल सिंप्लीफाई करना है, ये आ गया 4x - 6 प्लस 3x - 6 डिवाइडेड बाय 6 × 3x - 2 आ गया। ये वाला आपके पास आ गया 4 5 6 7x। ठीक है, और ये -12 डिवाइडेड बाय 6 × 3x - 2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट करने लगे हैं, जो कि x+1 डिवाइड बाई 2x - 8 माइनस x+2 डिवाइड बाई 12 - 3x। तो आपने क्या करना है, x+1 को इसी तरह रखना है, नीचे आपके पास 2 कॉमन आ गया, अंदर x - 4 आ गया। ठीक है, यहाँ x+2 है और यहाँ पे देखिए इन दोनों में से आपके पास 3 कॉमन आ गया, ये 4 - x आ गया। और यहाँ पर x+1 डिवाइड बाई 2 x - 4 - x+2, अब यहाँ से ये 3 है, इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x - 4, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। ठीक है, तो x+1 डिवाइडेड बाय 2 × x - 4 है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, x+2 डिवाइडेड बाय 3 × x - 4। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि x - 4 और x - 4 सेम है, तो ये हमने एलसीएम लिया और x - 4 लिख लिया। अब 2 और 3 के हमने एलसीएम लिया तो ये 6 आ गया, साथ में 6 भी हमने लिख दिया। अब ऊपर वाली चीज को फिर आपने उसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे देखें x - 4 और x - 4 कट गए, 2 और 6 रह गए। ठीक है, 2 और 6 आपस में डिवाइड करते हैं तो 3 आ गया, तो यहाँ पे हमने जस्ट 3 लिख दिया। ठीक है, सेम स्टेप हमने इसके साथ भी कर लिया। अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, 2x + 4 डिवाइडेड बाय 6 × x - 4, तो ये आ गया 3 और 2 5x, x और x टर्म को करना है और कांस्टेंट को करना है। ठीक है, और ये 7 डिवाइडेड बाय 4 5 6 7, और ये 6 × x - 4, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट 4 कर रहे हैं, जो कि है 4xy डिवाइडेड बाय x³ प्लस y³ माइनस x डिवाइडेड बाय x² माइनस xy प्लस y². अब यहाँ पर आपने देखें कैसे करना है, सबसे पहले इसका फार्मूला आप खोल लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स आ गया और नीचे ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये हमने लिख ली और एक्स प्लस वाई लिख लिया। अच्छा, अब देखें 4xy ऊपर है, नीचे ये वाली टर्म और ये खत्म होके
और ये भी खत्म होगी, सिर्फ ये रह गई। यहाँ पे माइनस एक्स है और ये वाली टर्म खत्म होगी, और यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई रह गया। ठीक है, तो ये 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाली और इस टर्म को हल करते हैं, तो ये 3xy आ गया माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि x कॉमन है, x कॉमन लिया, अंदर 3y माइनस एक्स आ गया, और नीचे x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है।